अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू फखर सॉफ्टवेयर। ये हमारा प्रोसीजर पर दूसरा लेक्चर है। इसमें हमारे पास एक कोड स्निपेट है असेंबली लैंग्वेज का, उसको हम डीबग करेंगे और स्टैक को फिल करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कोड। जो क्वेश्चन गिवन है, राइट डाउन द कंटेंट्स ऑफ ईएक्स ईबीएक्स एंड ईसीएक्स बाय डीबगिंग दिस कोड, आल्सो अपडेट द स्टैक स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू गिवन कोड। तो हमने एट द एंड जो ईएक्स है, ईबीएक्स और ईसीएक्स है, इनके कॉन्टेंट्स क्या होंगे वो बताने हैं, और साथ हमने स्टैक को भी फिल करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कोड। तो नॉर्मली अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया तो एक ही स्टैक काफी है। मैंने बस समझाने के लिए ये जो स्टैक मैंने बनाई है उसको मैंने उसकी कुछ कॉपीज कर ली हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से स्टैक समझाई जा सके। तो सबसे पहले यहां पर हम देखें कि स्टैक में आपने देखना कि एड्रेस कौन सा लिखा हुआ है। ये 100H है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि जब हम 100H लिखते हैं तो इससे आपकी 256 बाइट्स जो है वो मेमोरी में रिजर्व हो जाती हैं। और हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले हम सिस्टम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं वो 32 बिट के यूज हो रहे हैं, तो 32 बिट का मतलब है 4 बाइट, हर लोकेशन स्टैक की 4 बाइट आपको पाई करेगी। लिहाजा टोटल कितनी लोकेशंस बन जाएंगी, मैंने आपको बोला था कि हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 64 लोकेशंस टोटल हमारे पास स्टैक्स की बनेंगी। तो अगर आप इतना पोर्शन पॉप कर रहे हैं, स्टैक को पॉपुलेशन कर रहे हैं, वो तब ही हो सकती है जब आप रिकर्जन पढ़ेंगे, आगे हम इंशाल्लाह उस पर लेक्चर बनाएंगे, या नेस्टेड प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा जब आपकी पोर्शन पॉप कॉल होती है, यानी पुश फंक्शन जब हम बनाते हैं तो स्टैक आपकी पॉपुलेट होती है। तो अगर लोकेशन आपकी 64 से एक्सीड कर जाएं तो उसमें हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो आता है उस केस में। तो ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी मेमोरी लोकेशन आपकी स्टैक में अवेलेबल है। नेक्स्ट, अब हम जब मेन प्रोसीजर लास्ट टाइम देखा था कि जब अभी असेंबली कोड लिखते हैं तो उसमें एक डिफॉल्ट प्रोसीजर होता है जिसको हम मेन प्रोसीजर कहते हैं। बाकी हम प्रोसीजर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड में अगर आप देखें तो एक प्रोसीजर हमारे पास मेन प्रोसीजर है जो कि बाय डिफॉल्ट है। दूसरा प्रोसीजर हमारे पास सम ऑफ का एक फंक्शन हमने बनाया हुआ प्रोसीजर जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। सिमिलरली हम एक एग्जिट का प्रोसीजर भी बना सकते हैं। जब हम असेंबली कोड लिखते हैं तो एग्जिट का एक अलग से प्रोसीजर बनाते हो जिसमें हम AH में 4CH मूव करते हैं और फिर इंटरप्ट 21 को कॉल करते हैं। वो जब हम इसी एग्जैक्टली सेम कोड का VS कोड में और DOS बॉक्स में इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे पास जो 6 नंबर लाइन है इसमें पुश में हमने इमीजिएट वैल्यू को पुश किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि जब भी हम इमीजिएट वैल्यू को पुश करते हैं, नॉर्मली हमें इमीजिएट वैल्यू को पुश नहीं करना चाहिए। कुछ असेंबलर्स हैं 8086 के, फॉर एग्जांपल आपके पास एक असेंबलर है 8186 और एक आपके पास प्रोसेसर है 8486, इन दोनों में इमीजिएट वैल्यूज को आप पुश कर सकते हैं। और जो बाकी सिंपल 8086 है जिसमें 8386 आपके पास आता है, इनमें अलाउ नहीं है, इसमें हम इमीडिएट वैल्यू को पुश नहीं कर सकते। गुड प्रैक्टिस क्या है? गुड प्रैक्टिस ये है कि जो भी वैल्यू आपने स्टैक में पुश करनी है उसको पहले रजिस्टर में मूव करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 32 बिट रजिस्टर्स हैं तो हम को रजिस्टर्स बनाए, जो वेरिएबल्स जब हम डॉट डाटा के अंदर जो वेरिएबल्स बनाते हैं उनको भी हम पुश कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के जो पुश और पॉप है वो आपको बाइट को सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पुश करना है तो हम ऐसे नहीं कर सकते पुश AL पुश BL, ठीक है, क्योंकि ये बाइट ऑपरेशन है और पुश एंड पॉप जो है 16 बिट और 32 बिट को सपोर्ट करता है, तो आप ये काम भी नहीं कर सकते। यहां पर जो मैं इमीडिएट वैल्यू डाली है क्योंकि ये कुछ प्रोसेसर्स में वर्क करती है, इसी वजह से यहां पर डाली है मैंने। और दूसरी ये चीज है कि सिंपल आपको समझाने के लिए कि कोड काम कैसे करेगा, इस वजह से मैंने इमीडिएट वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट किया है। लेकिन आपको बता दिया इसकी प्रिकॉशंस कि आप इसको कोड में या तो रजिस्टर में वैल्यूज मूव करें या वेरिएबल्स में इंसर्ट करें और उसके थ्रू आप इसको किया करें। अब हम प्रॉपर स्टैक को फिल करते हैं स्टार्ट फ्रॉम लाइन नंबर 6। तो 6 लाइन में पुश 5 है। तो सबसे पहला काम मैंने जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जब भी हम पुश करते हैं तो ये क्या करता है, स्टैक पॉइंटर को पहले डिक्रीमेंट करेगा बाय 4 बाइट्स। 4 बाइट्स इस वजह से क्योंकि यहां पर हमारे पास 32 बिट सिस्टम है, 32 बिट आर्किटेक्चर हमारे पास है यहां पर, और वो बेसिकली 4 बाइट्स हर लोकेशन लेगी। तो पुश 5, तो अभी करंटली सबसे पहले यहां पर जो मैंने स्टैक बनाई है तो ये जो टॉप ऑफ स्टैक है ये मैंने एड्रेस ऊपर लिख दिया है। आप बेशक स्टैक नीचे बना लें
क्योंकि स्टैक में एक ही एंड से डाटा इन आउट होता है, तो ये मैंने टॉप ऑफ स्टैक बनाई। और हमारा जो स्टैक पॉइंटर होता है, जिसको हम एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर कहते हैं, ये टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट करता है। ये स्टैक एम्प्टी आपकी अभी है। जब हम ये पुश इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पुश 5, तो ये दो काम करेगी। सबसे पहला काम क्या करेगी, इस स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेगी बाय 4। तो पहला काम ये करेगी, ईएसपी में से 4 माइनस हो जाएगा और आपका ईएसपी अपडेट होके उसकी जो करंट लोकेशन है वो ये हो जाएगी। यहां पर मैंने एड्रेसेस लिख दिए हैं, ये 4-4 का डिफरेंस है। अगर ये 256 बन रहा है डेसिमल में, तो ये 252 है, ये 248 है, एंड सो ऑन। ये हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस मैंने लिखे हुए हैं, 4-4 के डिफरेंस से। दूसरा काम क्या करती है आपका जो पुश इंस्ट्रक्शन है, जिस अभी लोकेशन को, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट 4 कर दिया, इस लोकेशन में वो वाली वैल्यू जो रजिस्टर के अंदर है या वेरिएबल के अंदर है, वो वैल्यू आप उस जो लोकेशन है स्टैक की, वहां पर जाके पुश कर देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये 5 इस लोकेशन पर आ गया, ये वाली आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो पहले क्या किया पुश ने, डिक्रीमेंट किया, फिर उस वैल्यू को कॉपी किया उस लोकेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है पुश 7। अब पुश 7 में क्या होगा, अभी क्योंकि ईएसपी की जो आपका एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर है, उसकी ये लोकेशन है, 7 को पुश करना है। तो ये हम यहां पर नीचे बना लेते हैं इस स्टैक में। यहां पर अभी इसकी करंट लोकेशन आपके पास 5 पड़ा था, और जब 7 इंसर्ट करेंगे तो 7 हमारा, क्योंकि अभी स्टैक पॉइंटर यहां पर देखें, और इसकी जो करंट लोकेशन है वो FC है। जब हम पुश 7 करते हैं तो इसमें से 4 डिक्रीमेंट होगा, तो आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा इस एड्रेस को, और फिर हम उस एड्रेस पर 7 को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे स्टैक पर। ये हमारी 2 लाइन एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन है, दैट इज कॉल। तो यहां पर हम एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का नाम है सम ऑफ, इसको हम कॉल कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल्स बताया था कि जब वे प्रोसीजर बनाते हैं तो एक्चुअली कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसका जो एड्रेस है वो पुश करती है स्टैक में। अभी स्टैक पॉइंटर आपका इस पर है, अभी स्टैक पॉइंटर F8 पर है। जब कॉल इंस्ट्रक्शन आ जाएगी तो ये हमारे इस एड्रेस को क्या करेगी, अपडेट कर देगी। अपडेट का क्या मतलब, इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेगी, तो हमारा स्टैक पॉइंटर की जो लोकेशन हो जाएगी वो हमारे पास 00F4 हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास 5 पड़ा है, यहां पर 7 पड़ा है, तो इस इंस्ट्रक्शन का लाइन नंबर 9 की जो एड्रेस होगा उसको हम पुश कर देंगे स्टैक पर, क्योंकि हमें एड्रेसेस का नहीं पता। तो लेट्स सपोज यहां पर नॉर्मली हम लिखते हैं रिटर्न एड्रेस ऑफ उस प्रोसीजर का, यानी जहां पर ये प्रोसीजर रिटर्न करेगा उसका एड्रेस है, यानी लाइन नंबर 9 इन दिस कोड। ये हमने काम कर लिया कॉल इंस्ट्रक्शन में। और फिर मैंने आपको यह बताया था कि कॉल इंस्ट्रक्शन आपकी जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, जो कि आपकी इंस्ट्रक्शंस का एड्रेसेस होता है, उसको भी अपडेट करता है। नॉर्मली लाइन नंबर 9 का जो भी एड्रेस था वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होगा पहले, लेकिन कॉल इंस्ट्रक्शन इसको चेंज करके जो प्रोसीजर, जो आपका ये जो प्रोसीजर है सम ऑफ, इसकी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को लोड कर देगी इसमें। यानी ये पुश ईबीपी का जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी एड्रेस होगा वो इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर आ जाएगा, और ये भी हमारा 32 बिट का है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने रिटर्न एड्रेस यानी पुट कर दिया इस इंस्ट्रक्शन का स्टैक के अंदर, फिर हमारा कंट्रोल कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस लाइन नंबर 2 के अंदर। यहां पर मैंने रोमन में लिखा है ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना आसान है। ये प्रोसीजर डिफाइन हुआ है और ये आपका मेन प्रोसीजर है जिसमें ये वाला कॉल हुआ है। तो इस वाले प्रोसीजर को हम कॉलिंग प्रोसीजर कहते हैं, और ये वाला प्रोसीजर आपका कॉल्ड प्रोसीजर। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये कॉल्ड प्रोसीजर है, और जिस प्रोसीजर के अंदर ये प्रोसीजर कॉल हो रहा है उसको हम कॉलिंग प्रोसीजर कह रहे हैं। अब हम करते हैं ये वाली इंस्ट्रक्शन रन, पुश ईबीपी। अब यहां पर आप दो देख रहे हो कि यहां पर दो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। ये दो इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली हम हर प्रोसीजर में लिखते हैं, अगर हमें जब आर्गुमेंट्स को एक्सेस करना हो। तो ईबीपी क्या है, ईबीपी आपका है एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, अगर हम 32 बिट सिस्टम में काम कर रहे हैं, और अगर 16 बिट सिस्टम है तो उसको हम सिंपल बेस पॉइंटर कहेंगे। इस एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को हम फ्रेम पॉइंटर का नाम भी देते हैं। ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हैंडल का काम करता है। हैंडल का मतलब ये है कि हम इस पॉइंटर की मदद से स्टैक में किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहां पर देखें, जब ये प्रोसीजर कॉल हुआ
तो इस प्रोसीजर में आप देखें जो हमारे स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस है वो 0F4H है। जब हमने ये वाला प्रोसीजर कॉल किया, कॉल सम ऑफ ये वाली जो लाइन है, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। अब हमने इस लोकेशन को प्रिजर्व करना है। क्यों प्रिजर्व करना है? लेट्स सपोज जब आगे हम नेस्टेड प्रोसीजर पढ़ेंगे या जब हम रिकर्जन पढ़ेंगे, रिकर्सिव आपके पास जब प्रोसीजर्स होंगे तो उसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास प्रोसीजर्स हैं, जब भी मैं पुश करूंगा स्टैक पॉइंटर मेरा चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं ये लोकेशन कहां स्टोर करूं। इस वजह से आपको एक पॉइंटर चाहिए जहां पर करंट प्रोसीजर रिटर्न करेगा उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम बेस पॉइंटर बनाते हैं, और इस बेस पॉइंटर की मदद से फिर हम डिफरेंट लोकेशंस को एक्सेस करेंगे, क्योंकि हर लोकेशन 4 बाइट की है। तो बेस पॉइंटर की हर प्रोसीजर, क्योंकि अपनी वैल्यू होती है, बेस पॉइंटर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है शुरू में। अभी देखें, शुरू में हमने पहले बेस पॉइंटर यूज नहीं किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। जब इसको हम पुश करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, यहां पर हमारा बेस पॉइंटर की वैल्यू आ जाएगी। पहले क्या होगा, आपका ईएसपी अपडेट होगा, ईएसपी अपडेट का मतलब -4 होगा, और बेस पॉइंटर की स्टार्टिंग वैल्यू यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी? 0। ये बेस पॉइंटर में 0 पड़ा है। तो नेक्स्ट, अब हम ईबीपी में हमने इसको पुश कर दिया, उसकी वैल्यू शुरू में 0 थी फॉर एग्जाम्पल। अब इस स्टेट में क्या है, मूव ईबीपी कॉमा ईएसपी, यानी जो ईएसपी की जो करंट लोकेशन है वो ईबीपी में मूव करें। अब ईएसपी की करंट लोकेशन क्या है, ईएसपी अभी हमारा इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी 0F0, ये वैल्यू हम अपने बेस पॉइंटर में मूव करें, यानी बेस पॉइंटर भी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, 0F0H को। तो इसका मतलब ये है कि इसी लोकेशन पर डायरेक्टली हमारा बेस पॉइंटर भी है और हमारा स्टैक पॉइंटर भी है, दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। और यही हम चाहते थे कि हमारे पास जो के करंट लोकेशन है स्टैक पॉइंटर की, वो बेस पॉइंटर में स्टोर हो जाए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखें, अगर अब तो हम ईएक्स में 0 मूव कर रहे हैं, यानी हमारे पास ईएक्स एक रजिस्टर है, इसको हम स्टैक पर नहीं बनाएंगे और इसमें 0 पड़ा, इसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि जब भी हम दो नंबरों को सम करते हैं तो पहले हम सम को 0 से इनिशियलाइज करते होते हैं, ठीक है। अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एड ईएक्स कॉमा। अब यहां पर एक चीज आपने देखनी है कि हम डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, जब स्क्वायर ब्रैकेट आती है तो इसका मतलब है इस लोकेशन पर जाकर हमने जो वैल्यू पढ़ी है वो ईएक्स में प्लस करनी है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ईबीपी प्लस 8। जैसे मैंने बताया ये फ्रेम पॉइंटर और बेस पॉइंटर है, इससे हम स्टैक की किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी बेस पॉइंटर हमारा कहां पड़ा है, यहां पर पड़ा है इस वाले एड्रेस पर, विच इज F0। क्योंकि याद रखें, प्लस करते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, माइनस करते हैं तो हम नीचे आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैक पॉइंटर का जो टॉप ऑफ स्टैक एड्रेस है वो हाई एड्रेस है। हम प्लस करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, जब हम पॉप करते हैं तो ऊपर जाते हैं, पुश करते हैं तो नीचे आते। तो अब क्योंकि जो पहला आर्गुमेंट था हमारे इस सम का वो क्या है, 7 है, तो इस 7 को ईएक्स में एड करना है। अभी हमारे पास ईएक्स में 0 पड़ा है, जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो ईबीपी प्लस 8 क्या करेगा, यहां पर देखें ईबीपी करंटली इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं ईबीपी प्लस 4 करूं तो मेरे पास ईबीपी प्लस 4 जो है वो ये लोकेशन में आएगा, लेकिन ये तो हमारे रिटर्न एड्रेस है। तो अगर हम प्लस 8 करेंगे ईबीपी के अंदर तो हमें वो किस लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, 00F8 को, जहां पर 7 पड़ा है। तो इसको फिर हम ईएक्स में एड कर लेंगे, यानी ईएक्स में पहले 0 पड़ा था, अब 0 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ईएक्स आपका अपडेट हो गया। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, ईएक्स के अंदर हम ईबीपी प्लस 12 कर रहे हैं। ईबीपी प्लस 12 या 8 करने से आपका बेस पॉइंटर जो है वो पॉइंट उसी लोकेशन में कर रहा है, लेकिन इससे हम ये क्या है कि डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, एक्चुअली उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। करंटली बेस पॉइंटर एक्सेस इधर ही करेगा, लेकिन हम सिर्फ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जब हम करेंगे ईबीपी प्लस 12 तो हम फिर इस मेमोरी लोकेशन को आकर एक्सेस कर रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू पड़ी है, इसमें क्या पड़ा है, 5 पड़ा है। तो इस स्टेटमेंट में क्योंकि एड ईएक्स दिस, तो हमारे ईएक्स में करंटली क्या पड़ा है, 7 पड़ा है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास 12 हो जाएगा, और 12 को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये सी हो जाएगा। तो ईएक्स का जो कंटेंट है वो सी हो गया आपके पास। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखिए पॉप ईबीपी, और जब हम पॉप ईबीपी लिखते हैं तो एक्चुअली ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू यहां पर पड़ी होगी उसको उठाएगा और ईबीपी के अंदर स्टोर कर देगा। अभी देखें ईबीपी हमारा उसमें क्या कंटेंट पड़ा है, 0 पड़ा है, तो हमारा ईबीपी के अंदर हम क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे, क्योंकि शुरू में भी 0 था,
अभी भी जीरो है। अगर यहां पर किसी और प्रोसीजर का एड्रेस होता तो वही हम दोबारा रिट्रीव कर लेते। तो ये फायदा है बेस पॉइंटर का। तो ये यानी लाजमी चीजें आपने लिखनी है कि पहले ये दो इंस्ट्रक्शन लिखनी है प्रोसीजर में और एंड पर उस बेस पॉइंटर को पॉप भी करना है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब हम पॉप करते हैं तो एक तो वैल्यू स्टोर करते हैं, फिर क्या करते हैं स्टैक पॉइंटर में 4 bytes ऐड करते हैं। यानी यहां पर दोबारा लिखते हैं, जब हमने ये पॉप किया था तो उससे क्या हुआ था, ये वैल्यू पहले उसमें सेव होगी बेस पॉइंटर के अंदर और फिर हमारा जो करंट एड्रेस है स्टैक पॉइंटर का वो यहां पर आ जाएगा सम ऑफ। तो हमारा स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर। जब हमने रिटर्न एड्रेस लिखा तो रिटर्न एड्रेस भी पॉप करता है। कैसे पॉप करता है, एक तो ये करेगा कि इस वाले जो एड्रेस है, ये एड्रेस अब किसका था, ये एड्रेस है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल स्टेटमेंट, यानी यहां पर पॉप ईबीएक्स लिखा हुआ है, यहां पर ये लिखा हुआ है। इस इंस्ट्रक्शन पर आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अपडेट करेगा, यानी जो आईपी आपका है उसको अपडेट करके उसको डायरेक्ट कर देगा इस इंस्ट्रक्शन पर कॉल के बाद वाली, और साथ और क्या काम करेगा, साथ स्टैक पॉइंटर में +4 इजाफा कर देगा। अभी स्टैक पॉइंटर यहां पर है तो इसकी लोकेशन चेंज करके ये कहां डाल देगा, स्टैक पॉइंटर को इस जगह में डाल देगा। तो अब आपका स्टैक पॉइंटर यहां पर पहुंच गया। जब आपका स्टैक पॉइंटर यहां पर पहुंच गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, EBX को और ECX को पॉप कर रहे हैं। यानी जो अभी स्टैक पॉइंटर जब हमने पहले पॉप EBX किया तो इस वैल्यू को उठाएगा और EBX में स्टोर कर देगा। EBX का कंटेंट क्या हो जाएगा 7। और हमें पता है जब पॉप ने वैल्यू पहले पुट कर दी फिर इंक्रीमेंट किया +4 का, तो आपका स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन पर पॉइंट करेगा और इस लोकेशन की वैल्यू को हम पॉप करके कहां डाल रहे हैं, ECX में डाल रहे हैं, तो ECX में आपके पास कंटेंट आ जाएगा 5। तो हमारी स्टैक क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो नॉर्मली जितने पुश ऑपरेशन आप करते हैं उतने ही पॉप करने चाहिए ताकि आपके स्टैक के अंदर कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि क्लियर ना हो, फिर आपका बैलेंस रहता है। अगर आपके एड्रेसेस पड़े हैं तो रिटर्न ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये वाली, तो ये सारे एड्रेसेस को क्लियर कर देती है, तो रिटर्न स्टेटमेंट भी क्लियर करती है। अगर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं तो फिर भी एरर नहीं आता। तो जब हम प्रोग्राम को एंड करते हैं बाय पुशिंग AH, जब हम करते हैं AH में 4CH मूव करते हैं और इंटरप्ट 21H कॉल करते हैं तो फिर भी हमारा क्लियर हो जाती है स्टैक। तो इस तरह मैंने आपको सारे ऑपरेशन एक एक करके बताए कि किस तरह बेस पॉइंटर का क्या काम होता है, किस तरह उसको यूज करके हम डिफरेंट लोकेशंस पर जो वैल्यूज पड़ी हैं उसको एक्सेस करके रजिस्टर्स में डालते हैं, और साथ मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी। अब जल्दी से इसको हम VS कोड में और DOS बॉक्स में करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम है लेकिन हमने प्रोसीजर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर हम इमीडिएट वैल्यू VS कोड के अंदर डाल सकते हैं लेकिन DOS बॉक्स में नहीं डाल सकते। तो ये हमारा मेन प्रोसीजर है और ये देखें कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर लाइन नंबर 12 में एंड हो रहा है। फिर हम ये कॉल सम ऑफ कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रोसीजर सम ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मेन खत्म हो गया, मेन एंड भी लिखना है, एंड मेन नहीं लिखना। ये सम ऑफ प्रोसीजर आपका है और इसमें फिर हम ये आपका एंड हो गया। और हमने एग्जिट का भी प्रोसीजर बनाया है, कॉल एग्जिट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जिट का प्रोसीजर है। हम इसको पहले रन करते हैं क्लिक करके, राइट क्लिक करके, तो हमारा कोई एरर नहीं है। हम इसको डीबग करते हैं, तो जब डीबग करेंगे तो सबसे पहले हमने F8 स्टेप पर क्लिक करना है या F8 कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास पहले स्टैक पॉइंटर 100 था, अब ये डिक्रीमेंट हो चुका है। F8 प्रेस करते जाएं, यहां पर जब आपके पास प्रोसीजर आएगा उसके अंदर जाने के लिए हमें ट्रेस देखना है। आपने ट्रेस के लिए कौन सी कीवर्ड है, F7 है, तो हम F7 को प्रेस करेंगे। जब हम F7 को प्रेस करेंगे, अगर हम डायरेक्ट F8 प्रेस कर देते तो क्या होता, पूरा का पूरा प्रोसीजर रन होके यहां पर रिजल्ट आ जाता। लेकिन F7 से क्या हुआ कि हम एक एक लाइन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखें आपके कॉल सम में पहले पुश BX है, तो BX वाला पुश करें, F7 प्रेस करते जाएं तो एक एक लाइन आपकी एग्जीक्यूट होती जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि AX में 0 है, यहां पर AX में 7 आ गया क्योंकि उसने वैल्यू को एक्सेस कर लिया, +4 है इसमें, वहां पर क्योंकि +8 था क्योंकि वो 4 bytes थे, ये 2 bytes हैं, वो 32-bit सिस्टम था, ये 16-bit है, इस वजह से +4 और +6 किया। और सारे रजिस्टर भी हमने कौन से यूज किए, BX, CX और सारी ये चीजें, बेस पॉइंटर यूज किया, EBP यूज नहीं किया। तो आप F7 प्रेस करते जाएं तो हमारे पास देखें AX का रिजल्ट क्या हो गया, अपडेट हो गया और हम बेस पॉइंटर को पॉप कर रहे हैं। तो अभी देखें बेस पॉइंटर में क्या पड़ा है, F8 पड़ा था क्योंकि स्टैक पॉइंटर जो प्रोसीजर का स्टार्टिंग एड्रेस था उसने बेस पॉइंटर में हमने डाला था। अब बेस पॉइंटर में देखिएगा दोबारा फिर 0 आ जाएगा क्योंकि पहले भी 0 वैल्यू पड़ी थी, ये आप देख सकते हैं
फर्क आपके पास। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न देखें कहां पर किया, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी सम ऑफ के बाद, तो वो क्या इंस्ट्रक्शन थी, पॉप बी एक्स। अब देखें बी एक्स में जो आपका लास्ट एलिमेंट इंटर हुआ था 7, वो आ जाएगा। यहां पर देखें 0 पड़ा है, अभी 7 आ गया, और उसके बाद सी एक्स में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सी एक्स में 5 आ जाएगा, और हम कॉल एग्जिट में जाएंगे। अब हम कॉल एग्जिट में जब जाएंगे तो F7 ही प्रेस करेंगे, तो देखें इस प्रोसीजर की आपके पास लाइन चलेगी और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब एग्जैक्टली सेम काम करने के लिए हम डॉस बॉक्स में जाते हैं, तो यहां पर आपको कोड एडिटर के अंदर नोट पैड प्लस प्लस में आपको एग्जैक्टली सेम कोड नजर आ रहा है। यहां पर हम इमीडिएट वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते, पुश कर सकते, इस वजह से पहले हमने रजिस्टर्स में उसको मूव किया है और फिर हम उन रजिस्टर्स को पुश कर रहे हैं, या आप लोकल वेरिएबल्स बना सकते हो उसको भी पुश कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली कोड सेम है इसको लिया, तो देखें एस टेस्ट के नाम आपके पास एएसएम फाइल है, ये डॉस बॉक्स है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मैजम और अपनी फाइल का नाम देंगे एस टेस्ट डॉट एएसएम, कोई एरर नहीं है। फिर हम लिखेंगे लिंक और यहां पर हम सीवी कमांड लिखेंगे, कोड व्यू और एस टेस्ट लिख देंगे। तो यहां पर आप देखो ये आपके पास कोड आ गया। अब इसकी एक एक लाइन को आप रन करेंगे, यहां पर आप देखें स्टेप का मतलब है कि एक एक लाइन स्टेप करें, और अब प्रोसीजर के अंदर जाना है तो ट्रेस में क्या लिखा हुआ है F8, तो आप F10 प्रेस करते जाएं तो एक एक लाइन रन होगी। अगर मैं पूरा ही रन कर दूं, फॉर एग्जांपल पुश वैल्यूज करने के बाद, यहां पर आप देखें स्टैक पॉइंटर आपका अपडेट हो रहा है। अब देखें FE लिखा हुआ है, तो इसके बाद FC हो जाएगा। अब ये कॉल अगर मैं F8 प्रेस कर दूं तो मेरा पूरा का पूरा प्रोसीजर रन हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे अगर प्रोसीजर के अंदर वाली लाइनें रन करनी है तो मुझे F8, क्योंकि ट्रेस लिखा हुआ, तो F8 आप प्रेस करेंगे तो हम प्रोसीजर के अंदर चले गए। या आप देख लो प्रोसीजर के अंदर जब हम सम ऑफ में गए थे तो पहले क्या था, पुश BP था, आपके पास पुश BP है एंड सो ऑन। तो ये देखें आपका उसी तरह एग्जैक्टली हमने एक एक जो है F8 प्रेस करते गए, एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती गई, और यहां पर हम देख रहे हैं कि AX में किस तरह सम आपका आ गया। पॉप BP करेंगे तो BP में दोबारा फिर आपका कंटेंट आ जाएगा जो कि 00 स्टार्ट का था, क्योंकि BP होल्ड द प्रोसीजर का स्टार्ट एड्रेस उसमें होता है। और फिर हम रिटर्न कर जाएंगे मेन में। अब देखें आपके पास कॉल आ गया, अगर इसके अंदर जाना चाहते हैं F8 प्रेस करें, अगर ड्रैग करना चाहते हैं तो F10 प्रेस कर दें। मैंने F10 प्रेस किया तो उसने पूरा एग्जीक्यूट कर दिया प्रोसीजर, और वो कह रहा है एग्जिट कर दें, तो ओके कर देंगे। तो इस तरह हम अपने कोड को ड्राई रन करते हैं, स्टैक को जो है पॉपुलेट करते हैं, सारे ऑपरेशन देखे, बेस पॉइंटर का पर्पज आपको बताया, VS कोड में भी कर लिया, डॉस बॉक्स में भी कर लिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। नासिर।